हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मनीषा। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी रेमेडी जो आपके स्किन को ट्रांसफॉर्म करने वाला है, वो भी एक रात में। इसके फर्स्ट एप्लीकेशन से आपको इतना बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा कि आप मुझे कहने बहुत सारा थैंक यू, बात की मैं गारंटी देती हूँ। और इसके इतने बेहतरीन रिजल्ट हैं कि आप खुद हैरान रह जाइएगा। यह आपके स्किन को टाइट करता है, अगर आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो इसे भी श्रिंक करता है, अगर आपको रिंकल्स की प्रॉब्लम है तो यह इसे भी दूर करके आपके स्किन को बनाने वाला है सॉफ्ट, स्मूथ और यंग। वो अभी मात्र फर्स्ट एप्लीकेशन है। जैसे जैसे हमारी एज बैठती है, हमारे लिप के पास लाफ लाइन बन जाती है, ये रेमेडी से भी ख़त्म करेगा। और फोरहेड के पास अगर आपको लाइन हो रही है, रिंकल्स बन रहे हैं, तो यह रेमेडी से भी ख़त्म करेगा। इस रेमेडी को आप कंटिन्यू एक वीक तक यूज़ करने से आपकी स्किन में अमेजिंग रिजल्ट मिलने वाला है, आपको खुद विश्वास नहीं होगा। हमारी आदत क्या होती है, हम कोई भी चीज़ रेगुलर यूज़ नहीं करते हैं। अगर आपको इसका 100% बेनिफिट उठाना है तो आप इसको कंटिन्यू यूज़ कीजिएगा, आपको इसका शानदार रिजल्ट मिलने वाला है। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको चाहिए एक अंडा, वैसलिन और राइस पाउडर। तो सबसे पहले आप एक बाउल लीजिए और इस रेमेडी में हमें चाहिए अंडे का येलो वाले पार्ट। आपको वाइट पार्ट को अलग कर लेना है और इस येलो वाले पार्ट में आपको ऐड करना है 1 चम्मच वैसलिन। तो अगर आपको अंडे की स्मेल पसंद नहीं है तो आप इसमें लेमन के कुछ ड्रॉप्स ऐड कर सकते हैं। तो येलो वाले पार्ट और वैसलिन को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि ये आपस में अच्छे से ब्लेंड हो जाए। इसमें आपको ऐड करना है 1 चम्मच राइस पाउडर। तो हमारा जो मास्क है यह बनके तैयार है। तो सबसे पहले आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिए और इस मास्क का आपको थिक लेयर अप्लाई करना है। लगभग 2 से 3 कोट अप्लाई कर लीजिए। फेस के अलावा अपने नेक पे, हाथों पे भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। अंडे हमारे स्किन को इलास्टिक बनाए रखता है, अगर हमारे स्किन के फाइन लाइंस, रिंकल्स को दूर करके हमारे स्किन को टाइट करता है, यह आपके पोर्स को भी श्रिंक करता है। वहीं वैसलिन हमारे स्किन टोन को ब्राइट करता है, रिंकल्स को भी रिमूव करता है। अगर हम राइस की बात करें तो हम सभी को पता है राइस हमारे स्किन को ब्राइट क्लियर करता है, यह अगर आपके स्किन डैमेज हो गई है तो इससे भी आप रिपेयर करता है। तो इस मास्क का हमें थिक लेयर अप्लाई कर लेना है, इसे अपने आँख के आसपास भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस मास्क को आपको रखना है लगभग 15 से 20 मिनट के लिए। तो 15 से 20 मिनट रखने के बाद यह कुछ इस तरह ड्राई हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको अब कैसे इसको वॉश आउट करना है, तो सबसे पहले आप गर्म पानी ले लीजिए और इस गर्म पानी में मैंने हैंकी को डिप कर लिया है और इसे अपने फेस पे कुछ इस तरह रखना है। और ये प्रोसेस आपको लगभग 3 से 4 बार करना है। इससे ये फ़ायदा होगा कि इस मास्क का जितना भी बेनिफिट है, जो स्टीम ले रहे हैं हम लोग, ये हमारे स्किन के अंदर तक जाएगा और इस मास्क का हमें 100% रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद इसी हैंकी से, गर्म जो हैंकी है, इसे अपने फेस को अच्छे से पोंछ लीजिए कुछ इस तरह। इससे जो आपके फेस पे जितने भी मास्क है आसानी से रिमूव हो जाएंगे। इसके बाद अपने नॉर्मल वाटर से इसे वॉश आउट कर लीजिए और सच मानिए इसका जो रिजल्ट है बहुत ही शानदार रिजल्ट है और कोई भी आपको चिपचिपाहट नहीं होगा। उसके बाद आप अपना टोनर अप्लाई कर लीजिए, उसके बाद आप अपना फेवरेट मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लीजिए। ये मास्क आपके स्किन टोन को ब्राइट करता है। अगर आपके फेस में जितने भी तरह के दाग धब्बे हैं, रिंकल्स है, पिगमेंटेशन है, सब को ये रिमूव करके आपके स्किन को फर्स्ट नाइट में ही क्लियर, ब्राइट और रिंकल लेस बनाएगा। आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, फर्स्ट नाइट में आपको बेनिफिट मिलने वाला है फेस को। तो आपने देखा ना किसे बनाना कितना आसान है। तो आप इसे जरूर बनाइए और इस रेमेडी को आप जरूर ट्राई कीजिए। आपको क्या करना है, आपको अभी की जो पिक्चर उसे क्लिक कर लीजिए और इस क्रीम को एक वीक तक कंटिन्यू यूज कीजिए। उसके बाद क्या पिक्चर क्लिक कीजिएगा, पहले और अब की पिक्चर में आप डिफरेंट देख पाएगा कितनी आपकी जो स्किन है कितनी ज़्यादा फेयर और स्मूथ हो गई है। इस बात की गारंटी मैं 100% देती हूँ। आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं इस क्रीम को लगाने के बाद। जब आप इसे लगाइएगा तो आपको कोई भी महंगे से महंगी क्रीम लगाने की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है और ना ही आपको एंटी एजिंग क्रीम लेने की जरूरी है, क्योंकि ये अपने आप में काफ़ी है। तो आप भी इसे ज़रूर बनाइए और अप्लाई कीजिए और आपको कैसा लगा मुझे अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा।
और इस रेमेडी को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर, बाय।